गाजीपुर से आनंद कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में श्री जनार्दन सिंह यादव जी को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया। श्री जनार्दन सिंह यादव जी को मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी पर से मनोनीत किए जाने पर जिला कमेटी प्रधान संगठन गाजीपुर द्वारा स्वागत समारोह किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय राघदेव यादव, ब्लॉक प्रमुख सदर गाजीपुर, विशिष्ट अतिथि माननीय योगेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष वाराणसी रहे। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के महासचिव, प्रधान संगठन के महासचिव शमीम सिद्दीकी, समीम सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष श्री नागेंद्र यादव, जोगी जी अध्यक्ष राम ज्ञान सिंह यादव, सदर ब्लॉक प्रधान संगठन गाजीपुर सिकंदर बिन, ब्लॉक सचिव प्रधान संगठन सदर उदित यादव, प्रधान ग्राम पंचायत सोहिलापुर संजय सिंह यादव, ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बबेली रितेश कुमार, जिला महासचिव जनार्दन सिंह यादव, मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी के तत्वाधान में स्वागत समारोह रखा गया। श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजदेव यादव। यह जो संगठन है, कितने साल पहले से? ये संगठन बहुत पुराना चल रहा है, 1983 से। जी, और यहाँ पर बहुत लोगों के साथ जो प्रधान जी लोग हैं, उन लोगों के साथ भी वार्तालाप किए हैं, वो लोग के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि ये जो संगठन में आज सारे लोग जुटे हैं, इसको बहुत मजबूती देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे तभी जा कर के हम लोगों में मजबूती आएगी और अपनी बात सरकार से हम लोग मनवा सकते हैं। सर, अभी इसके बाद जो सोनभद्र जिला में है प्रधान संघ का, अब हमारे जानकारी में तो नहीं है, यही है। चलिए ठीक। माननीय भोला सिंह जी, इस चुनौतीपूर्ण सम्मान चुनाव को आपने जिताया है, आपके सामने प्रधानों की बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे निपटेंगे? ऐसा प्रधान की कोई चुनौती नहीं जो निपटा नहीं जा सकता, और जब इनकी जरूरत जिस चुनौती से पड़ेगी निपटने के लिए, हम लोग खड़ा होकर निपट लेंगे। इससे पीछे कई चुनौतियाँ निपटे हैं, ये भी आसानी से निपट लिया जाएगा, कोई सरकार नहीं। धन्यवाद सर जी। अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद शमीम सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव जी, प्रदेश राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश। यह जो संगठन आप बता रहे थे कि पिछला जो संगठन है वो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसा क्यों? पिछला संगठन नहीं जी, संगठन तो एक हम लोग का जी। इस बार जो अध्यक्ष थे वो हरिजन सीट हो गए, वो हट गए जी, हट गए तो हमका दूसरा अध्यक्ष बनाना पड़ेगा जी। तो अध्यक्ष हमने बनवाया नागेंद्र यादव जी, उन्होंने एक नया संगठन कोई खड़ा कर दिया, जिसका न कोई मान्यता न कोई प्रदेश से कोई संबंध है। हमारा जो है निदेशालय पंचायती राज में 10 नंबर कमरा बुक है, वो ऑलरेडी पहले से चला रहा अलीगंज लाल लखनऊ में। तो हम तो मांग करते हैं कि भाई संगठन हमारा एक रहेगा तो हम सब मांग मंगवा सकते हैं, और संगठन एक नहीं रहेगा तो मांग क्या बनवा। हम 700 रुपया लिया वेतन, फिर 3500 लिया, अब 15,000 की मांग किया हमने, और ये सरकार मजबूर होके देगी। सितंबर में हमारा बहुत ज़बरदस्त एक आंदोलन होने जा रहा है लखनऊ में, और वो आंदोलन हुआ या उसके पहले ही सरकार ऐलान कर देगी कि ये कर लीजिए। और अभी जितना पेपर में आप देखते हैं, ये बन गया शौचालय, बन गया ये, बन गया पंचायती भवन, बन गया ये सब, जानते हैं ये सब हमारे पैसे जो हमको दिया गया खड़ंजा नाली लगाने के लिए, जो हमारे प्रधान वादा करके गांव से आए कि हम ये नाली आपका बना देंगे, ये खड़ंजा बना देंगे, उसको न बना के अब क्या जाए उस पर खर्च किया जाए, और वो सरकार कह रही कि हम ले रहे हैं, सरकार उसके लिए अलग से पैसा नहीं दे। हमीं को जो अभी 3500 दिया जाता है, हम कहते हैं इसको सरकार अलग से फंड दे, हमको कह दिया वित्त आयोग से ले लिया कीजिए। पहले फंड कितना मिलता, आज फंड कितना मिल रहा है? आज 3500 मिल रहा, पहले 700 मिलता। अच्छा, अभी आप आज के जो सरकार है, आज कितना देना चाह रही है आप? हमको देने के लिए तो 10 तक तैयार है, वो हम 15 मांगा कि 15 से नीचे नहीं हम लोग लेंगे। अब देखिए सरकार क्या करती है। ठीक है।